केटीएन खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। नाज़रीन, केटीएन खिलाफत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ शकील सिद्दीकी। बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। पंजाब और हरियाणा सरकार को भी नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम मामले को लेकर कमेटी बनाना चाहते हैं और कमेटी में किसान, केंद्र सरकार और अन्य लोग भी होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसान कमेटी का हिस्सा बने। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद किसानों में आज शाम 5 बजे किसान संगठन के नेता बैठेंगे, महामंथन शुरू होगा। किसान नेता इसमें विचार करेंगे कि इस कमेटी बनने के बाद में उनकी मांगों पर क्या कुछ किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का दखल इस मामले में अब आ गया है। किसान आंदोलन जो पिछले 20 दिनों से चल रहा है, जिसमें केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच में कई दौर की वार्ताएं भी हुई। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया था किसान नेताओं को, उस प्रस्ताव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये एक बयान आया है। और इस बयान में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार को, पंजाब और हरियाणा सरकारों को भी नोटिस जारी कहा है। और ये ऐसा इशारा दिया है कि इस पर एक कमेटी गठन की जाए, जिसमें केंद्र की सरकार, दिल्ली सरकार और किसान संगठनों के अलावा अन्य लोग भी शामिल होंगे। तो बीच का रास्ता निकालने की ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि किसान दिल्ली की सड़कों को खाली कर दे और कहीं ना कहीं पर केंद्र की मोदी सरकार से प्रभावित नजर आ रहा है सर्वोच्च न्यायालय, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये आनंद फानंद में एक आदेश जारी किया है और किसानों को भी नोटिस दिया है कि आप इस पर अपनी राय दें और इसके लिए कमेटी बनाई जा रही है, आप इसका हिस्सा बने, आए और बात करें। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आया है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। किसानों ने इस बयान के बाद महामंथन शुरू करने की बात कही है। आज 5 बजे किसान संगठन नेता बैठेंगे, इस पर बात करेंगे, विचार करेंगे। किसानों ने मामले को जल्द सुलझाने की बात कही है। वही किसान आंदोलनों पर दर्ज की गई याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है। तो नाज़रीन, आपको बता दें एक्सक्लूसिव खबर केटीएन खिलाफत न्यूज पर कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र की मोदी सरकार, दिल्ली सरकार के साथ साथ पंजाब और हरियाणा की सरकारों को भी नोटिस जारी कर इस बात का इशारा दिया गया है कि किसान आंदोलन को देखते हुए इस मसले का हल निकालने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें किसानों के साथ साथ दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और पंजाब और हरियाणा की सरकारें भी और दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो। जो भी किसानों की मांगे हैं उस पर विचार किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पर केंद्र सरकार की तरफ, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो ये एक बयान आया है, जो फैसला लिया गया है, इस पर कमेटी बनाई जाएगी। तो आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को एक जो प्रस्ताव भेजा था और उसमें जो संशोधन करने की बात कही थी, इस प्रस्ताव को पहले ही किसान नेताओं ने खारिज कर दिया है। और आज भी किसान नेता इस बात पर अड़े हुए हैं कि केंद्र की सरकार की तरफ से लाए गए कृषि कानूनों को खत्म किया जाए, सिरे से उसे समाप्त कर दिया जाए और नया कानून बनाया जाए जिसमें किसानों की भी भागीदारी हो और किसानों से भी उस कानून पर उनकी राय ली जाए। तो ये बड़ी खबर है आज के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठन करने के इशारे कर दिए हैं, संकेत दे दिए हैं। देखिए हमारी ये